आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, नाम बड़े दर्शन छोटे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले, अपने पार्टी के सभी सीटों पर 100% परमिशन देने वाले युवा नेता, हाजीपुर के लोजपा रामविलास पार्टी के सांसद एवं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बता दें कि पटना में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान ने चिराग पासवान की सदस्यता रद्द करने के कई मुद्दे उठाए हैं और इसको लेकर उन्होंने कई साक्ष्य दिखाए। साथ ही उन्होंने सरकार से इन पर कार्रवाई करने की भी मांग की। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। देखिए, बिहार की राजनीति में एक नया ट्विस्ट सामने आया है और ये ट्विस्ट शायद आप सबों को बहुत ही जानकारी पूर्वक होगी। बता दें कि सांसद चिराग पासवान, जो हाजीपुर के सांसद हैं, रामविलास पासवान के बेटे, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने अपनी 100% लोकसभा चुनाव में देने की कोशिश की और उन्होंने, उनकी पार्टी ने दिया। अभी एक मामला सामने आ रहा है कि चिराग पासवान पर एक बड़ा आरोप लग रहा है और वो राजकुमार पासवान ने उन पर आरोप लगाया है कि चिराग पासवान का जो संसदीय सदस्यता है वो रद्द होना चाहिए। और ये मामला है जमीन को लेकर के, ये मामला है उनके कुछ शिक्षा को लेकर के, ये मामला है उनके कुछ चारित्रिक क्रियाकलापों को लेकर के। क्या कुछ कह रहे हैं ये नेता राजकुमार पासवान, जरा इनको सुनिए। देखिए, मोदी के हनुमान चिराग पासवान जी, जो अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, वो अपने हलफनामा में बहुत कुछ छुपाया है। उनके खिलाफ अभी दिल्ली में FIR है, जो लाइव है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। उन्होंने छुपाने का काम किया है, जो कि FIR ये है, IPC, CRPC सब दर्ज है। चिराग पासवान का ये FIR में नाम है और उन्होंने हलफनामा में नहीं दिया, ये बताया हलफनामा में कि मेरे ऊपर कोई FIR नहीं है, कोई न्यायिक ये के जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोई भी केसेज नहीं चल रहे हैं हमारे ऊपर, तो ये झूठ क्यों बोला? फिर शैक्षणिक योग्यता के मामला है, तो उन्होंने वो झूठ बार बार झूठ बोल रहे हैं, 14 से झूठ बोल रहे हैं कि मैं BTech हूँ सेकेंड सेमेस्टर में। क्या कोई 2 सेमेस्टर का BTech होता है, ये बताएं चिराग पासवान। नहीं तो आप इंटर बताइए, 10वीं और 12वीं बताइए, आप BTech क्यों बार बार लिखते हैं? आप गलत चीज मत सिखाए। दूसरी चीज है कि इनके ऊपर डिफेमेशन भी है दिल्ली हाईकोर्ट में, इनके ऊपर आप बिना मानवी के साथ, बिना मानवी के ऊपर, बिना मानवी ये उस जो विक्टिम है, विक्टिम के साथ कुछ कॉन्स्पिरेसी है चिराग पासवान, प्रिंस राज और ये बिना मानवी, उसके साथ और भी 3 लोग हैं, तो बहुत कुछ मामले हैं वहाँ। अपने हलफनामा में 80 एकड़ जमीन भी छुपाया खगड़िया का इन लोगों ने, जो सारे पेपर में, हम आपको पेपर फैक्ट्स दिया है, आप लोगों को कोई भी नहीं। अगर इतना ही है तो चिराग पासवान आकर के कहें कि जो जितने भी एलिगेशन हमने लगाए हैं वो झूठा है, बेबुनियाद है और इंजीनियर राजकुमार पासवान के ऊपर मैं डिफेमेशन करूंगा। तो आपने सुना, राजकुमार पासवान ने पूरे साक्ष्य के साथ पेश किया है चिराग पासवान के खिलाफ दस्तावेज और उन्होंने कहा है कि वो झूठ बोल करके क्यों संसद में गए और संसद में उन्होंने क्यों BTech बताया, वो इंटर क्यों नहीं बताया। ये तमाम मुद्दों को लेकर के चिराग पासवान को घेरते हुए आज नज़र आए पटना में। प्रेस वार्ता में वो वक्ता ने चिराग पासवान को घेरा है और उन्होंने भारत सरकार से और बिहार सरकार से भी गुहार लगाई है कि इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और मोदी सरकार से कहा है कि इनकी सांसद का जो सदस्यता है उसको रद्द करना चाहिए। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।